CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त, उन्हें भक्ति काल के प्रमुख संतों में गिना जाता है। जन जन में प्रचलित मीरा के भजन उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन। इस भक्त कवित्री ने लगभग 1300 भजन लिखे। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मोरे नैनन में। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, इसलिए मीरा का पालन पोषण उनके दादाजी राव दूदा ने किया। शिक्षा के साथ साथ मीरा ने प्रशासन, राजनीति और संगीत में भी कुशलता प्राप्त की। राव दूदा मीरा को बहुत लाड़ प्यार से पालते। नन्ही मीरा की भोली भाली बातों पर वो मोहित हुए रहते। एक दिन की बात है, राव दूदा कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे। तभी बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई। बाबा, ओ बाबा। देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है? अरे देखूं तो, अरे ये तो बारात जा रही है। देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा, ये कहाँ जा रहा है? अरे ये दूल्हा है बिटिया, शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा। और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा? अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे। नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है, वरना मैं आपको गिरधर गोपाल का शिंगार नहीं करने दूंगी। भाई बता दूंगा ना बेटी। नहीं, पहले आप मुझे बताइए। बेटी ये शिंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा। सच बाबा, ये है मेरा दूल्हा। सच्ची भाई? मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल। बचपन की इस भोली घटना के बाद से ही मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई कृष्ण भक्ति में रमती गई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ, लेकिन मीरा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके ध्यान में खोई रहती थी। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरा पति सोए मेरे तो। पति भोजराज और ससुर राणा सांगा मीरा के इस निश्चल व्यवहार को बहुत सहजता से लेते, परंतु ससुराल के अन्य लोगों को मीरा का ये रूप पसंद ना आता था। उदाबाई, देखो तो
मीरा तैयार हुई या नहीं? भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती माँ साहब। मैंने तो सुबह ही उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है। हाँ तो फिर? पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली। हाँ बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही। हाय हाय, जिसे अपने मायके से लाई है। तू क्या अब तक तैयार नहीं हुई? नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहाँ तो गाना बजाना चल रहा है। बसो मोरे नैनन में नंद लाल, बसो मोरे नैनन में नंद लाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, बसो मोरे नैनन में। एक के बाद एक पति भोजराज और ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा बन चुका था। विधवा मीरा का यूं गिरधर गोपाल के ध्यान में खोए रहना, नाचना गाना उसे राजघराने की परंपरा के अनुकूल न लगता था। वो अनेक तरीकों से मीरा को डराता धमकाता, मीरा को मारने के षड्यंत्र करता। विष अवश्य ही हमारा काम करेगा। भाभी सा तैयार है ना आप? ये आपके गिरधर गोपाल का चरणामृत है भाभी सा। आपको गिरधर गोपाल में विलीन कर देगा। दासी जी 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 राणा जी महाराज, जाओ ये कटोरा मीरा भाभी सा को दे आओ। उनसे कहना ये उनके कान्हा का प्रसाद है। क्या कहा? कान्हा का प्रसाद चरणामृत। जी महाराज। जाओ जल्दी पहुंचा दो इसे, कहीं देर ना हो जाए। जो आज्ञा महाराज। गिरधर गोपाल का चरणामृत। रानी सा की जय हो। आओ सखी, भीतर आओ। जी वो क्या हुआ सखी, तनिक चिंतित सी लग रही हो। वो कुछ नहीं। कहो ना सखी, क्या बात है? वो रानी सा, वो महाराज राणा ने आपके लिए कान्हा का प्रसाद भेजा है। ये चरणामृत। क्या? मेरे कान्हा का प्रसाद? पर हमें तनिक शंका होती है। दो हमें, हम अभी पियेंगे। रुकिए रानी सा जरा ठहरिए। रानी सा, क्या मालूम विष हुआ तो? राणा भेजा विष का प्याला, पीवत मस्त होई, दास मीरा लाल गिरधर होनी हो सो होई। विष का प्याला राणा भेजा, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासिल पग घुंघरुवाद, मीरा नाचे पग घुंघरुवाद। माना जाता है कि राणा ने कभी टोकरी में सांप भेजा
कभी मीरा के बिस्तर पर कांटे बिछवाए, लेकिन कृष्ण के प्रति आस्था मीरा को हर कष्ट से बचाती रही। और एक दिन वो भी आया जब मीरा महल के सारे सुख और आराम छोड़कर मेवाड़ त्याग कर वृंदावन की ओर चलती। हाथ में एक तारा लिए जोगन बनी मीरा को यूं रास्तों में नाचते गाते देख लोग हैरान हो जाते। कुछ लोगों को मीरा का ये दिव्य रूप मोहित करता, लेकिन मीरा का यूं नाचना गाना उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों के लिए बहुत असहनीय था। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते। भाई साहब, सुना है कि रानी मीरा ने महल छोड़ दिया। अरे छोड़ना ही था और कहीं, विधवा होकर नाचनो गानो और क्या। अरे भाई, पर ऐसी भक्त को भला कोई दीवारों में बांध सकता है क्या? चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है। हाँ, कितनी भली है रानी सा। गाती भी बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। मैं मिला हूँ एक बार उनसे। वो देखो, वो आ रही हैं, तुम्हारी रानी सा। प्रणाम रानी सा। प्रणाम रानी सा। प्रणाम। जय श्री कृष्ण भाई, जय श्री कृष्ण। ऐसे पैदल कहाँ जा रही हैं रानी सा? अपने कान्हा के पास वृंदावन। यूँ अपने घर परिवार को छोड़कर? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मगर लोग क्या कहेंगे रानी सा? राजकुमार भोजराज की विधवा और जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस तरह समाज की और कुल की रीतियों को तोड़ती मीरा वृंदावन जा पहुंची। वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में तेरी लीला गा तू शाम मने चाकर राखो जी, शाम मने चाकर राखो जी। इस समय की भी एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि उस समय चैतन्य संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री रूप गोस्वामी वहां रहते थे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। मीराबाई उनसे मिलना और उनके दर्शन करना चाहती थी, परंतु गोस्वामी जी ने कहला भेजा, हम स्त्रियों से नहीं मिलते। क्या सच? गोस्वामी जी ने ऐसा कहा? जी हाँ माता, गोस्वामी जी स्त्रियों से भेंट नहीं करते, उन्होंने सदा इस नियम का पालन किया है। हम तो समझते थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। ठीक है, जैसी हरी इच्छा, चलती हूँ। स्वामी जी से कहना, संत देख दौड़ी आई, जगत देख रोई, संत सदा शीश राखूं, राम हृदय होई। साधु ने संग बैठी बैठी लोक लाज खाई, भगत देखी राजी भई, जगत देखी रोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल। कहते हैं गोस्वामी जी मीराबाई की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नंगे पांव बाहर तक आए
और संत मीरा से मिले। मीरा वृंदावन की गलियों में, मंदिरों में नाचती गाती। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने कोई। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने कोई। हेरी में तो। फिर एक दिन वो वृंदावन छोड़ द्वारिकापुरी चली गई। वहां उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डेरा जमाया। यहां वो अपने कान्हा की चाकरी करती। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं कर से, भाव भक्ति जागीरी पाऊं, दीन बातों कर से, शाम मने चाकर राखो जी। मीरा अब तक बहुत ही प्रसिद्ध और जन जन की प्यारी बन चुकी थी। उनकी ये लोकप्रियता उनके मायके मेड़ता और ससुराल मेवाड़ तक भी जा पहुंची। मीरा इस सब से अनजान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल बसो मोरे, नैनन में नंद लाल बसो मोरे। कितनी मीठी आवाज है, अद्भुत सुंदर। मीरा बाई के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया। कितनी मधुर आवाज। हाँ। है। सुना है मेड़ता और मेवाड़ दोनों राज्यों से उन्हें बुलावा आया है। क्या? हाँ, पर वो गई नहीं। अरे सुना तो ये भी है कि उन्हें वापस ले जाने के लिए ब्राह्मण भी भेजे गए हैं। तो क्या हमारी मीराबाई चली जाएंगी? पता नहीं, उनके बिना तो सब कितना सोना सोना लगेगा। हाँ भैया, बहुत सोना हो जाएगा यार। कहते हैं कि ब्राह्मणों के हठपूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा लेने मंदिर के भीतर गईं और वहीं मूर्ति में आत्मसात हो गईं। विश्वास जो मानता हो, तर्क जो कहता हो, लेकिन ये सच है कि मीराबाई सीधी सुगढ़ और सपाट भाषा में कविता रचने वाली अनोखी भक्त कवित्री थी। भगत गिरधर गोपाल। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख निशी, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, अश्वनी वालिया, बाबला कोचर, मुइनुल हसन, नईमा अख्तर और सादिया रहमान। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल। निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।